नमस्ते बच्चों, स्वागत है। ये आपका है थर्ड लेसन का रिवीजन, फोर्थ पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट। थर्ड लेसन का रिवीजन थर्ड पार्ट है ये हमारा, तीसरा भाग है ये हमारा। ओके, तो हम देख रहे थे बच्चों मदर टेरेसा भारत कब आई, व्हेन डिड शी कम टू इंडिया। ओके, इन 1928। ओके, 1928 में वो इंडिया आई। नन के कपड़े छोड़कर मदर टेरेसा कैसे कपड़े पहनने लगी, बाय लीविंग द बाय वेयरिंग इंस्टेड ऑफ वेयरिंग द ब्लैक एंड व्हाइट नन ड्रेस, व्हाट टाइप ऑफ अ ड्रेस शी स्टार्टेड टू वेयर व्हेन शी स्टार्टेड हर सर्विस, नीली किनारे वाली सफेद साड़ी। सो नेक्स्ट कौन सा है, मदर टेरेसा कौन से स्कूल में अध्यापिका बनी, इन विच स्कूल शी had been working as a teacher. Okay, she was working in St. Mary School. She was working in St. Mary School, which is in the Kolkata. ठीक है, चले next slide. 1951 में उन्हें भारतीय नागरिकता मिली। So, जब वे इंडिया आई तो इंडिया में सेटल होने लगी, इंडिया में इंडिया को छोड़ के, भारत को छोड़ के वे जाना ही नहीं चाहती थी कहीं भी। ओके, तो मदर टेरेसा के लिए अभी मदर टेरेसा का सर्विस देख के उन्हें बहुत सारा अवार्ड दिया गया, और उनका ये जो ट्रू हार्टेड सर्विस को देखकर भारत ने ये डिसाइड किया कि इन्हें भारत का नागरिकता दिया जाए, इंडियन सिटीजनशिप। Let me give the Indian citizenship to Mother Teresa. The government decided to give the Indian citizenship to Mother Teresa so that she can spend all her life in Bharat. Okay? So, Indian citizenship, भारतीय नागरिकता उन्हें कब दी गई, 1951 में। भारतीय नागरिकता उन्हें 1951 में दी गई, और उसके बाद उन्होंने उससे पहले क्या किया, 1950 में उनका एक आश्रम खुला जिसका नाम मदर हाउस था। 1950 में जब वे इंडिया, सॉरी 28 में जब वो इंडिया आई थी, तब वे किसी किराए पर रहा करती थी, रेंटेड हाउस। सो शी मेड हर ओन हाउस एज अ आश्रम, एज अ आश्रम। आश्रम का अर्थ है ऑर्फनेज, आश्रम है जहां पर, नॉट ऑर्फनेज, जहां पर जो ऑर्फन्स को, ऑर्फन को जगह दी जाती है रहने के लिए। ओके, जहां पर ओल्ड पीपल को रहने के लिए जगह दी जाती है, या तो डिजीज पर्सन, या तो बीमारी लोगों को के लिए रहने के लिए, जिनका कोई कुछ हो ना, दोज हु हैव नो रिलेशनशिप, नो परिवार, फैमिली मेंबर्स, दे आर stay, they all will come and stay over there. So that is the ashram. Okay, khula, jiska naam mother house tha. Uska naam unhone kya rakha? Mother house. Dekhiye, ye hai unka ghar, Mother Teresa ka. Dekhiye, kitna bada hai, na? Floored house. She made her own house, not for her, for the people. For the people, those who have no shelter. So, मैंने कहा था आपको, जब भी वे किसी गरीब को देखती थी, या तो जब भी किसी बीमारी व्यक्तियों को देखती थी जिसका कोई भी ना हो, जो अकेले हो, उन्हें सब अपने छत्र छाया में ले लेती थी और अपने घर लेकर आ जाती थी। अपने घर मीन्स कहाँ पर, मदर हाउस, मदर हाउस उसका नाम रखा गया। ये एक्चुअली आश्रम है, उनका घर नहीं है। उन्होंने घर बनाया तो भी वो पुअर पीपल के लिए उन्होंने घर बनाया जिसका कोई ना हो। ओके, सो उसका नाम रखा गया मदर हाउस। वे रोज सुबह 4:30 बजे उठकर अपना काम निपटाकर गलियों में और गंदी बस्तियों में भूखे और असहाय लोगों को ढूंढती थी तथा उनको सहारा देती थी। व्हेन एवरी डे, रोज सुबह उठकर अपना सारा घर का काम निपटा कर, जो जो काम उन्हें है सब निपटा कर, गंदी बस्तियों में घूमा करती थी। शी विल स्टार्ट टू
she will woke up by 4:30, she will complete all her household work, and then she will start to go outside street by street. Why? For walking ke liye? नहीं, वॉकिंग के लिए नहीं, वो बस्तियों में घूमने के लिए जाती थी, वहां वहां के लोगों को ढूंढना, या कि जो पुअर पीपल हैं उन्हें ढूंढने जाती थी. शी वॉज इन सर्च ऑफ द पुअर पीपल, दोज हू हैव नो वन टू टेक केयर, एंड द डिजीज्ड पर्सन, इफ एनी डिजीज्ड पर्सन इज देयर, शी विल find out, she will go to the street by street in search of the people, okay, those who have no one to care, to take care of them. So roz subah 4:30 baje uthkar apna ghar ka kaam nipta kar gali gali mein Mother Teresa ghuma karti thi. Kis liye ghuma karti thi? Bhookhe hunger people ko dhoondne ke liye, asahay logon ko dhoondne ke liye, okay. असहाय मीन्स दोज हू हैव नो वन टू टेक केयर, ओके, उन्हें ढूंढने के लिए गली गली में घूमा करती थी. और देखिए ये उनका एक और है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी निर्मल हृदय, इसका नाम है निर्मल हृदय. इनका चैरिटी जो बना था वो इंडिया में, उसका नाम रखा गया हृदय, निर्मल हृदय. निर्मल मीन्स सॉफ्ट, हृदय मीन्स हार्ट, ओके. और देखिए अभी भी इनके घर में, इनके जो बिल्डिंग जो उन्होंने बनाया था, आश्रम जो बनाया था, वहां पर बोर्ड में प्रार्थना लिखी गई हुई है, ओके. उनमें से एक प्रार्थना यहाँ पर है, मौन का फल है प्रार्थना, प्रार्थना का फल है आस्था, आस्था का फल है प्रेम, और प्रेम का फल है सेवा. सो क्या उस मीनिंग क्या है इसका, व्हेन वी मौन, मौन मीन्स साइलेंस, साइलेंस से रहने का फल, फल मीन्स the not खाने वाला फल, the result, okay, the मौन का result है, okay, peaceful का result है प्रार्थना, prayer. प्रार्थना का result क्या है, when we do prayer, what would be the result for us? आस्था, आस्था means to give service to others, taking them under her shelter. और उस सेवा, और उसका अर्थ है प्रेम, when we go and help others, so we feel प्रेम, love, automatically it creates in our heart. और प्रेम का फल है सेवा, when a love creates for others, we'll do service for the other people, ठीक है, okay. तो हम देख रहे थे बच्चों वहां पर prayer लिखा होता है, मौन का फल है प्रार्थना, मौन silent, peace, उसका result है प्रार्थना, prayer. When we are peacefully praying, that is we are doing prayer. प्रार्थना का result है आस्था. प्रार्थना का मतलब है, प्रार्थना का जो जब हम प्रार्थना करते हैं उसका फल कैसा होता है, उसका result क्या मिलता है हमें, faith. Okay, आस्था, faith. Helping others, faithfully helping others, honestly helping others. और आस्था का फल है प्रेम. When we are doing a truthful service, a faithful service to the people, there creates a love in us. Prem ka phal hai seva. When there creates a love in our heart, automatically we'll do take care of that people. Okay, seva wahi se start hota hai. So this is one of the prayer. Sant Mother Teresa ne logon ke liye, mano jati ke liye anek karya kiye. उनके कार्यों के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. She done a lot of service to the people, and for that service she has been awarded a lot of awards. Okay, with a lot of awards, Pope John Peace Prize, ऐसे Nobel Peace Prize, जवाहरलाल नेहरू Award for International Understanding in 1972 में, सब बहुत सारे अवार्ड मदर तेरेसा को मिला. 1979 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. शी हैड बीन अवार्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज इन 1979. कब मिला था उन्हें नोबेल? 1979 में. और 1980 में भारत सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से मदर तेरेसा को सम्मानित किया गया. So 1908 में
1980 में इन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया. द भारत रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द इन आवर भारत. ओके, और सही मिलान मिलाइए अभी बताओ बच्चों. गिव आंसर नाउ. भारत रत्न पुरस्कार इन्हें कब मिला? भारत रत्न पुरस्कार. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. 1880 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नोबल शांति पुरस्कार इन्हें कब मिला? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया 1979 में. उससे पहले नीचे का आंसर आ गया. भारतीय नागरिकता इन्हें कब मिली गई? कब मिली? 1951 में. इंडियन सिटीजनशिप इन्हें 1951 में मिला. मदर हाउस का निर्माण इन्होंने कब किया? व्हेन डिड शी स्टार्टेड मदर हाउस? शी कंप्लीटेड मदर हाउस 1950. ओके, सो ये था आपका अभ्यास. बहुत अच्छा अभ्यास किया आपने, वेरी गुड. ओके, लर्न ऑल दिस. ओके, उत्तर दीजिए. संत मदर तेरेसा के कार्य क्षेत्र कहाँ से शुरू हुए? ऑलरेडी वी हैव वी नो द आंसर, कोलकाता से. अल्बेनिया दंपति के घर जन्मी कन्या का नाम क्या था? इन अल्बेनिया दंपति, दंपति मीन्स फादर एंड मदर, दे बॉर्न वन चाइल्ड. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट चाइल्ड? दैट इज अग्नेसे गोंगशी बॉन्शियो, मदर तेरेसा. संत मदर तेरेसा कितनी उम्र में नन बनी? एट व्हाट एज शी बिकेम अ नन? 18 वर्ष. व्हेन शी वाज 18 इयर्स ओल्ड शी बिकेम अ नन. संत मदर तेरेसा को भारतीय नागरिकता कब मिली? व्हेन शी गॉट अ इंडियन सिटीजनशिप 1951 में. 1979 में मदर तेरेसा को कौन सा पुरस्कार मिला? इन 1979 What award she has been awarded? Nobel Shanti Puraskar. Okay, बच्चों, ये मैंने एक एक वर्ड में आंसर दिया. आपका अगर चूज आंसर होगा तो आप भी ऐसे ही एक एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं. अगर ये रिटर्न एग्जाम है, राइटिंग एग्जाम, सो आपको सारा आंसर देना पड़ेगा. संत मदर तेरेसा के कार्य क्षेत्र कोलकाता से शुरू हुई. लाइकवाइज. ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? बहुत अच्छा. क्या मैजिक हो रहा है? ओके, जान लीजिए शब्दों के अर्थ. लर्न द मीनिंग्स. कर्मठ, डिलीजेंट, संभव, पॉसिबल, करुणा, पिटी, छत्र छाया, शेल्टर, निधन, डेथ, अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड. ओके, लर्न दिस मीनिंग्स ऑल्सो. उसके बाद क्या करना है हमें? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके समान कोई दूसरा ना हो. ओके, नो कंपैरेटिव अदर देन दिस, देयर इज नो कंपैरेटिव. अद्वितीय, अद्वितीय. ओके, जिसकी कोई उपमा हो, जिसकी कोई उपमा न हो. यहाँ पर न आना चाहिए बच्चों, यहाँ पर एक मिनट. जिसकी कोई उपमा न हो. ओके, विच हैव नथिंग अदर टू कंपेयर अलोंग विद दिस, टू कंपेयर अलोंग विद दिस. सो दिस मीन्स एनीथिंग विच इज नॉट कंपेयर्ड टू एनी अदर थिंग्स, दैट इज अनुपमा. दैट इज अनुपमा, इट्स सेड टू बी एज अ अनुपमा. कोई काम काज न करने वाला, द पर्सन हु हैव नो वर्क, बेरोजगार, ही इज सेड टू बी एज अ बेरोजगार. जो बिना वेतन के कार्य करें, द पर्सन हु वर्क फॉर विदाउट नो सैलरी, वर्क फॉर नो सैलरी, बेवतन, बेवेतन. वेतन मीन्स इनकम. जो ऊपर कहा गया हो, विच इज सेड अबाउ उपरयुक्त, which is said above is उपर्युक्त. और ये है शब्दों के शुद्ध करके लिखिए बच्चों. ये आपके बुक्स में दिया हुआ है. नीचे मैंने और भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इसे भी आप पढ़ लीजिए. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक.
learn this, correct these spellings, okay? So correct it. Okay, bachan, dhanyavad.